नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है कि पेंशनरों के लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। डीए के बाद अब पेंशनरों की बढ़ने जा रही है पेंशन। 78,000 रुपये महीने का होगा उनको फायदा। डियरनेस रिलीफ न्यूज, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रिलीज होने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सरकारी सेवा में इतर पेंशनर की महंगाई रात बढ़ने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता रिलीज होने के बाद अब गृह मंत्रालय ने सरकारी सेवा से इतर पेंशनर की महंगाई रात बढ़ाने का ऐलान किया है। इन पेंशनरों की डीए अभी 15% चल रही थी। कोविड महामारी के कारण महंगाई रात में बढ़ोतरी पर रोक लग गई थी। तो भारत सरकार के डायरेक्टर मीनू बत्रा के आदेश के मुताबिक सेंट्रल फ्रीडम फाइटर पेंशनर, उनकी आश्रित या उनकी बेटी की डीआर 15% से बढ़कर 26% की जा रही है। यह महंगाई रात हर कैटेगरी के पेंशनर के लिए लागू होगी। इस बढ़ोतरी से हरेक पेंशनर की मंथली पेंशन में करीब 7,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से ही प्रभावित होगी। तो पेंशन के आश्रितों की पेंशन जो 13,000 रुपये महीने से 15,000 रुपये महीने थी, अब बढ़कर 16,380 रुपये महीने से 18,900 रुपये महीने हो जाएगी। आदेश में ये भी कहा गया है कि सेंट्रल समन पेंशन में TDS नहीं लगेगा। बता दें कि दोस्तों की जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक हटा दी थी, जिसे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 11% से बढ़कर 28% हो गया था, जिसे 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारी और 65,26,000 पेंशनरों को सीधा फायदा हुआ था। जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा था, फिर दूसरी छमाही में 3% का इजाफा हुआ था और जनवरी 2021 में फिर 4% की बढ़ोतरी हुई है, जिसे उनका डीए कुल 28% पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।